वो एक सॉल्यूशन है, आपको वो पता चल जाएगा। अगर आपकी एलपीजी वाली गाड़ी है और आप बहुत परेशान हो ठंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमनी रार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन ओमनी। पिछला जो वीडियो बनाया था वो एकदम प्रॉपरली वीडियो नहीं बनाया था पिछले वक्त, इस बार मैं प्रॉपरली वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर। और हम बात करेंगे जो कौन से प्रॉब्लम उनके कारण ओमनी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम का बहुत ही लफड़ा आ जाता है जिसके कारण बहुत तकलीफ होती है लोगों को, तो उसी का वीडियो है ये, अंत तक के जरूर देखना। पहला अगर बात करेंगे, अगर आपकी गाड़ी एलपीजी वाली है तो एलपीजी में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होता है आपका वेपराइजर, उसको टाइम टू टाइम देते रहना और क्लीन करते रहना उसको, मेंटेन अगर आप करोगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। एलपीजी का जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहता है ओमनी में, पहली बात हो गई आपने जान लिया कि क्या है कि एलपीजी के कारण जो वेपराइजर रहता है उसके कारण होता है प्रॉब्लम। दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरी रहती है स्पार्क प्लग के कारण। तो आपको ये दिख रहा होगा स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग इस तरीके का होता है, आपने देखा भी होगा, उसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इंजन में कंबस्ट करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए उसका बहुत ही रोल महत्वपूर्ण रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम के वक्त वो तकलीफ भी दे देता है। अगर आपका स्पार्क प्लग पूरी तरीके से एकदम खत्म हो चुका है, उसकी जो लाइफ रहती है वो अगर चली गई होगी, कारण क्या होता है ओमनी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम का इशू आता है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरे में आपकी रह सकती है सेल्फ प्रॉब्लम। अगर आपका सेल्फ पुराना हो चुका है, आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, नए नए में भी देता है, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि नई गाड़ी है तो कोई तकलीफ देगा ही नहीं। कंपनी के थोड़ा बहुत फॉल्ट के कारण या फिर कोई भी इशू के कारण सेल्फ में भी प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ओमनी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे सकता है। तीसरा हो सकता है आपका सेल्फ का प्रॉब्लम है। चौथा अगर बोलोगे तो वो रह सकते हैं वायरिंग में प्रॉब्लम। वायरिंग जो रहती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने के लिए जो रहता है, तो वायरिंग का इशू हो सकता है, कोई वायर अगर कट कुट होगा जिसके कारण पावर सप्लाई नहीं होता होगा बराबर, बैटरी से कोई कनेक्शन अगर लूज हो गया होगा तो उसके कारण क्या हो सकता है आपका बैटरी का इशू हो सकता है और वायरिंग का भी इशू हो सकता है। तो पूरी की पूरी जो वायरिंग रहती है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए जो वायरिंग रहती है वो सारी जांच कर लीजिए, उसको देख लीजिए एक बार, और बैटरी का भी देख लीजिए। बैटरी भी पुरानी होने के कारण क्या होता है तकलीफ देती रहती है, कभी कभी स्टार्ट होती है कभी कभी नहीं होती है, तो बैटरी को भी चेंज करवा लीजिए, रिप्लेस करवा लीजिए, उसमें ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा नहीं। और लास्ट और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, वो एक सॉल्यूशन है, आपको वो पता चल जाएगा। अगर आपकी एलपीजी वाली गाड़ी है और आप बहुत परेशान हो ठंडी के वक्त जो रहती है, सर्दियों का मौसम रहता है, तो सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बहुत ही तकलीफ करती है, क्योंकि जो गैस रहती है वो पूरी तरीके से आइस बन चुकी रहती है। आइस बन चुकी रहने के कारण क्या होता है, वो जल्दी से जल्दी कंपोस्ट नहीं होती, क्योंकि वो कैसा सॉलिड फॉर्म की तरह जम जाती है, और अगर आप बोल सकते हैं कि पेट्रोल में जल्द से जल्द स्टोर हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल में जो रहती है वो लिक्विड में रहती है, तो जल्दी से जल्दी कंबस्ट कर लेती है, जल्दी से जल्दी इंजन स्टार्ट करवा लेती है, पर वो क्या होता है अपना ये एलपीजी में थोड़ी तकलीफ करती है। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो आप जरूर फॉलो करें, जिसके कारण आपको ओमनी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो रहता है एलपीजी के कारण वो कभी नहीं आएगा। करना 1 लीटर या 2 लीटर एक्स्ट्रा अमाउंट में पेट्रोल डालकर रखना आपकी गाड़ी अगर गैस पे चलती होगी तो भी, क्योंकि उसके कारण क्या होगा, सुबह सुबह आप सर्दियों के मौसम में नहीं तो फिर आप डेली लाइफ में भी हर तरीके से यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में भी, कि सुबह सुबह अगर आप गाड़ी निकाल रहे हो, क्योंकि अगर आपको तकलीफ नहीं चाहिए तो आपको ये सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। सुबह क्या करना, पेट्रोल के ऊपर शुरू करना, आपको सब कुछ बटन पता है, ये वाली बटन है जिसके कारण आप कन्वर्शन कर सकते हैं, आपको सब पता चल गया होगा। अगर आप एलपीजी आपके गाड़ी में होगी तो वो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि सुबह सुबह क्या करता है वो तकलीफ करता है। आप पेट्रोल पे क्या करना है, 2-3 किलोमीटर तक आराम से चलने देना पेट्रोल से, उसके बाद चलते रन करते समय क्या करना, गाड़ी को गैस पे कन्वर्ट कर देना। गैस पे आप अगर कन्वर्ट कर देंगे तो जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है वो गैस पे चली जाती है, और गैस पे जाने के कारण क्या करती है, गैस पे जाने के कारण आपको तकलीफ नहीं करती और गैस धीरे 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 उसका कन्वर्शन होने लगता है। ये एक अच्छा मेरा नॉलेज था और पर्पस था, वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो जो है मैंने जनरल बेसिस पे उसको फॉलो किया था, तभी मुझे पता चला था कि पेट्रोल पे थोड़ी देर चलाने का, उसके बाद गैस में उसको कन्वर्ट करने का, रन करते समय एकदम रुकाना नहीं, गाड़ी को बंद मत करना, रन करते समय आप कन्वर्ट कर देना का, जिसके कारण क्या हो जाएगा आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी गाड़ी भी अच्छी तरीके से चलेगी। तो यही थे 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो आपको इनमें से कोई अगर लगता है तो आपको ज़रूर देखना, अगर इनमें से कोई अलग है तो आपको इंजन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है, टाइमिंग चेन वगैरह जो कुछ भी रहता है, इंटरनल सेटिंग्स वगैरह वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको आपके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ गैरेज में जाकर मैकेनिक जो रहेगा उसकी सलाह लेकर क्या खराब हुआ क्या नहीं वो आप डिटेक्ट कर लेगा वो अच्छे तरीके से, और आपको बता देगा। तो उसके कारण क्या हो सकता है आपका जो ओमनी का प्रॉब्लम जो है
वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो जिसके कारण क्या होता है मुझे पता चल जाता है। आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, भाई का चैनल है भाई। आगे और वीडियो आते रहेंगे ओमनी के रिलेटेड, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पसंद है तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। आपको जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और आपको जिसके रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, तो आपको अच्छे तरीके से उसके रिलेटेड अगर मेरे को लगा तो मैं वीडियो उसके लिए जल्द से जल्द लाते रहूँगा। तो बस ये था आज का वीडियो। बाय बाय।